तो TSA अप्रूव्ड एक की आती है जो सिर्फ एयरपोर्ट एजेंट्स या कस्टम एजेंट्स के पास ही होती है। सिंस मेरा फ्लाइट बुक हो गया है, मेरा पासपोर्ट स्टैंप हो गया, सब कुछ कंप्लीट है, अब बात आती है लगेज परचेज करना और पैकिंग करना। तो यार लगेज परचेज कोई छोटा टॉपिक नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैंने सोचा कि उसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए, जिससे मेरा गोल ये है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरा वीडियो देखें, उसका कोई पागल ना बना पाए, कोई भी लगेज सेल्समैन आपका कोई पागल ना बना पाए, ठीक है, वो आपको ज़्यादा महंगा लगेज ना चिपकाए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना, वीडियो शॉर्ट ही रखूंगा। तो ठीक है, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। लगेज परचेज करने से पहले सबसे पहले आप दो टाइप के लगेज में फ़र्क समझ लो। सबसे पहला होता है केबिन लगेज, जिसको आप एयरक्राफ्ट के केबिन में ले जा सकते हो। दूसरा होता है चेक इन लगेज, जिसको आप दे देते हो और वो एयरक्राफ्ट के पीछे या कहीं पे रख के, जहाँ पे डेजिग्नेटेड लगेज रखने की जगह होती है, वो वहाँ से आप। सेकंड, चेक इन लगेज के डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड रहेंगे, जैसे कि VIP हो गया, सैमसोनाइट हो गया, अमेरिकन टूरिस्टर हो गया एंड सिमिलर अदर ब्रांड्स, तो इनका जो स्टैंडर्ड साइज होगा वो एयरप्लेन साइज ही होगा, ठीक है। ये सब स्टैंडर्ड साइज़ बनाते हैं जो कि एयरप्लेन में परमिटेड होता है। फिर भी मैं आपको साइज़ बता दूं, अगर आप कोई और ब्रांड या कुछ और परचेज करने की सोच रहे हो। तो लगेज तीन साइज़ में आता है, 77 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर। एनीथिंग दैट इज़ ग्रेटर देन 55 सेंटीमीटर वो आपके साथ केबिन में नहीं जा सकता, ठीक है। तो जो 65 और 77 सेंटीमीटर वाले हैं वो आपके चेक इन बैगेज हो गए, एंड एनीथिंग दैट इज 55 सेंटीमीटर और बिलो वो आपके केबिन बैगेज हो गए। अब ये सेंटीमीटर कैसे मेजर होता है, तो मान लीजिए कोई भी बैग है, उसकी एक इंडिविजुअल हाइट, कोई भी टायर से लेकर के उसके हैंडल तक एक इंडिविजुअल हाइट जो होती है, वो आपका साइज ऐसे मेजर होता है। इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट कि आपका जो केबिन बैगेज है, मतलब जो आपके साथ एयरक्राफ्ट में अंदर जाएगा, वो 55 सेंटीमीटर से नीचे नीचे ही होना चाहिए, ठीक है, वो 55 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। और जो बाकी लगेज है, जो आपका दूसरा है, जो आपके चेक इन होगा, वो जो भी मैंने साइज बताया 65 और 77 75, वो उससे प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर तक हो सकता है। साइज की बात होगी, अब बात करते हैं वेट के बारे में। जो आपका चेक इन लगेज है उसका वेट 23 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यार ये छोटी सी चीज़ में वीडियो में डालना भूल गया था, मोस्टली एयरलाइंस जो आपका केबिन बैग होता है उसके साथ एक लैपटॉप बैग भी अलाउड कर देती हैं। तो कोई भी एक अच्छा बैग रहेगा ना, जो कि चेक इन लगेज में जाएगा, उस बैग का खुद का वेट 3.5 kg से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। जो भी आप बैग लो, आप मेक श्योर करो, आप जो जहाँ से भी खरीदो वहाँ पे पढ़ लो, या उसको वे भी कर सकते हो तो वे कर लो, जो चेक इन लगेज है उसका वेट 3.5 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चेक इन में आपको एक बैग का वेट अलाउड होता है, दैट इज 23 kg, तो अगर 23 kg में से 4 से 5 kg अगर आपका बैग ही ले लेगा, तो आप क्या तो पैक करोगे और क्या रखोगे। तो इसीलिए आप जो भी बैगेज लोग, अच्छे बैग का सिंबल ये है कि वो 3.5 kg से ऊपर का नहीं होगा। अब यार जो ये चेक इन लगेज आते हैं, इसके अंदर तीन टाइप की क्वालिटी आती है। एक आता है पॉलीप्रोपलीन, दूसरा आता है पॉलीकार्बोनेट, और तीसरा आता है आपका फैब्रिक का बैग। इसके अंदर जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो होती है पॉलीप्रोपलीन, उसके बाद पॉलीकार्बोनेट, और थर्ड नंबर पे हमारा ये आपके जो फैब्रिक वाले बैग्स आ जाते हैं। अब गिवन एयरपोर्ट पे लगेज किस तरीके से हैंडल होता है, आई एम श्योर हम सब ने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं कि एयरप्लेन वाले लगेज को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो यार एक स्टर्डी अच्छा बैग लेना मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सबसे मेन बात यहाँ पे क्या आती है, इंटरनेशनल ट्रैवल होता है थोड़ा सा रिस्की। मैं किसी को डराना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको अवेयर करना चाहता हूँ। तो इंटरनेशनल ट्रैवल में देर आर हाई चांसेस के अगर आप पॉलिस्टर या वो फैब्रिक वाला बैग लेते हो, उसके अंदर ना बाहर बहुत सारी चेन्स होती हैं जो वो लॉक नहीं हो सकती, ठीक है। एज कम्पेयर टू अ पॉलीप्रोपलीन या पॉलीकार्बोनेट का बैग, वो एक बार बैग सील हो गया तो हो गया, उसके अंदर कोई कुछ नहीं डाल सकता। तो इंटरनेशनल ट्रैवल में इस चीज़ का बहुत रिस्क रहता है, दैट समवन माइट स्लिप समथिंग इन योर बैग, ठीक है, और जो भी हो सकता है। ऑफ कोर्स इट डजंट हैपन वेरी रेगुलरली, बट अगर 10,000 में से एक बार भी होता है तो वाई टेक अ रिस्क। आप मैं तो ये रिस्क नहीं ले सकता, आप लेना चाहते हो? ऑफ कोर्स नॉट, कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता। बात आती है कि कौन से साइज का बैग मैं रिकमेंड करता हूँ। ऑफ कोर्स इट्स अ नो ब्रेनर कि भाई जो बैग, जिस बैग में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको मिल रही है, आप वो बैग लो। तो अगर आप नॉर्मल ट्रैवल के लिए, तो यार मीडियम या स्मॉल साइज बैग चल जाता है। मैं जितना भी मैंने ट्रैवल किया है फ्लाइट्स में, सारा मैंने मीडियम और स्मॉल बैग के साथ ही किया है। लेकिन इफ़ यू आर मूविंग कंट्रीज, आप अपनी लाइफ को, अपनी आपकी जो अच्छी खासी लाइफ इधर चल रही है, वो सारी लाइफ को लेकर आपने एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है दूसरी कंट्री में, तो ऑफकोर्स गेट अ बैग जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख पाओ, क्योंकि वेट आप मीडियम बैग में भी 23 kg ही ले जा सकते हो, बड़े वाले बैग में भी 23 kg ही ले जा सकते हो। तो यार ऑफकोर्स गेट अ लार्ज, एज लार्ज बैग एज पॉसिबल। अगली चीज़ आती है कि लगेज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप 3 साल में या 5 साल में बदल दोगे। लगेज आप देखो, आपके घर में भी कोई अगर सूटकेस होगा तो यार वो लगेज सालों साल चलते हैं। लगेज इवन 10 साल 15 साल तक भी लगेज चल जाता है। केबिन बैग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसका विड्थ कोई भी एक इंडिविजुअल विड्थ 55 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए, और जो केबिन बैग का वेट है इंक्लूडिंग द बैग, वो 7 kg परमिटेड होता है, अप टू 8 kg तक एयरलाइंस अलाउ कर देती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट
और की फैक्टर यहाँ पे एक चीज़ आती है कि ये TSA अप्रूव्ड लगेज क्या होता है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि सेल्समैन आपको TSA अप्रूव्ड लगेज बेचने की कोशिश करेगा। TSA का फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो USA की होमलैंड सिक्योरिटी है वो उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो TSA अप्रूव्ड एक की आती है जो सिर्फ एयरपोर्ट एजेंट्स या कस्टम एजेंट्स के पास ही होती है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी या कस्टम एजेंट्स के पास ही होती है। तो वो जो की है उससे वो आपका लगेज अनलॉक कर सकते हैं अगर उनको एक्सरे में कुछ ऐसा सस्पिशियस लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू बाय अ TSA अप्रूव्ड लगेज। TSA अप्रूव्ड लगेज बाय करना ज़रूरी नहीं है, आप नॉर्मल लॉक वाला लगेज भी खरीद सकते हो। अब लोग क्यों प्रेफर करते हैं TSA वाला लगेज लेना, कि फॉर एग्जांपल आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे जा रहे हो, आपके बैग में नमक रखा हुआ है, आपके चेक इन लगेज में जो आपने चेक इन के लिए उसके अंदर नमक या शुगर है, पाउडर्ड शुगर है, तो अगर एयरपोर्ट सिक्योरिटी को शक होता है कि ये तो कुछ गड़बड़ है, इसको इस बैग को मुझे चेक करना है, आप अपना बैग चेक इन करके आप जा चुके हो काउंटर पे, आप काउंटर पे वेट कर रहे हो, तो एक्सरे में जब आपका बैग चेक होगा तो अगर एयरपोर्ट सिक्योरिटी को आपका बैग अनलॉक करना है, तो अगर आपका बैग TSA अप्रूव्ड नहीं है तो देर आर 100% चांसेस कि वो आपका लगेज तोड़ देंगे। वो आपका लगेज जो आपके बैगेज बैग का लॉक है उसको वो फोर्सफुली तोड़ के आपके बैग को जो भी उन्होंने चेकिंग करना है करके और आपके बैग की जिप्स को, जिप टाई जो आता है प्लास्टिक का, उससे लॉक करके आपके लगेज को आगे भेज देंगे। बट अगर आपका लगेज TSA अप्रूव्ड है तो वो आपके लगेज को खोलेंगे TSA अप्रूव्ड की से, प्रॉपरली चेक करके, पैक करके, एज इट इज़ लॉक लगा के आपके लगेज को आगे बढ़ा देंगे। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा होता है TSA अप्रूव्ड लेने का, लेकिन इट इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 500,000 रुपये में आपको अगर TSA अप्रूव्ड लॉक मिल रहा है, तो यार ऑफ कोर्स गो फॉर अ TSA अप्रूव्ड लॉक, बट डोंट स्पेंड एनी एक्सुबरेंट अमाउंट ऑन बाइंग अ TSA अप्रूव्ड लॉक। अब जो मैंने बैग खरीदे हैं उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फोटो भी देख सकते हो, मुझे बैग बहुत सस्ता पड़ गया था। कुछ डील्स आपको बिग बाजार और इस टाइप के शॉपिंग मार्ट्स में भी आपको डील्स मिल जाएंगी। सो यार दैट्स अबाउट इट, यही थी छोटी सी वीडियो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, आई होप इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। कुछ भी क्वेश्चंस है कमेंट में डालो, इंस्टाग्राम पे अगर जो भी लोग मुझे मैसेज करते हैं प्लीज़ हाई लिख के मत छोड़ा करो, डायरेक्टली अपना क्वेश्चन पूछा करो, मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ। अभी मैंने पैकिंग स्टार्ट नहीं करी है क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे लगा हुआ है लॉकडाउन, और जो भी मैं ऑनलाइन सामान ऑर्डर करना चाहता था वो यहाँ पे डिलीवरी नहीं हो रही है। तो जैसे ही मैं पैकिंग स्टार्ट करूँगा मैं फॉर श्योर उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।